संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम मखाने के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। नारियल, ड्राई फ्रूट्स, घी, दूध, मखाने और शक्कर। गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है। घी डालेंगे, एक ये बड़ी चम्मच ये फुल घी लिया है, ये थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, आधा चम्मच, और थोड़ा सा घी बचा देंगे। घी अच्छा तेज गरम हो गया है, अब हम इसमें अपने मखाने डालेंगे और इसे बराबर से चलाएंगे, धीमी आंच से सेक रहे हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से सीख चुका है, इसे हम एक बार दबा कर देख लेंगे। ये देखिए कैसे मसाला जा रहा है, और गैस को बंद कर देंगे। ये हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। शक्कर और मखाने को दोनों को पीस करके मिक्स कर लिया है और इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम। ये हमने ड्राई फ्रूट, नारियल और सबको मिक्स कर लिया है। ये देखिए बराबर से अब हम इसको बांधना शुरू करते हैं। इसको हाथ से मिला लेंगे। ये देखिए अभी ये नहीं बन रहा है, इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे जो हमने घी बचा लिया था। घी ऐड करेंगे जो हमने बचा लिया था घी मखाना तलते समय, और इसको बराबर से मिला देंगे। दूध थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे एकदम से पूरा, नहीं तो पूरा गीला हो जाएगा। ये देखिए आप इसको व्रत उपवास से भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना कर रख सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। आधा चम्मच और दूध ऐड करेंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल बंधने लायक हो गया है, ये अच्छे से बंधने लगा है। ये देखिए तरीके से हम बांध लेंगे बराबर से। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है, आप हमेशा बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में से 15 दिन तक रखा जा सकता है। ये मखाने के लड्डू हमारे बनकर के तैयार है, इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए।